धर्म के सत्य, मनोविज्ञान और विज्ञान का सुव्यवस्थित रूप है योग। योग की धारणा ईश्वर के प्रति आप में भय उत्पन्न नहीं करती और जब आप दुखी होते हैं तो उसके कारण को समझकर उसके निदान की चर्चा करती है। योग पूरी तरह आपके जीवन को स्वस्थ और शांतिपूर्ण बनाए रखने का एक सरल मार्ग है। यदि आप स्वस्थ और शांतिपूर्ण रहेंगे तो आपके जीवन में धर्म की बेवकूफियों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। मूलतः योग का वर्णन सर्वप्रथम वेदों में ही हुआ है, लेकिन यह विद्या वेद के लिखे जाने से 15,000 ईसा पूर्व के पहले से प्रचलन में थी, क्योंकि वेदों की वाचिक परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही थी। अतः वेद विद्या उतनी ही प्राचीन है जितनी प्राचीन ज्योतिष या सिंधु सरस्वती सभ्यता है। वेद, उपनिषद, गीता, स्मृति ग्रंथ और पुराणों में योग का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। योग की महिमा और यज्ञों की सिद्धि के लिए उसकी परमावश्यकता बतलाई गई है। आज हम आपको सुप्त पादुका बंधनी आसन के बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहे हैं, जिसका नियमित अभ्यास आपके शरीर के लिए बेहद लाभदायक साबित हो सकता है। सुप्त पादुका बंधनी आसन करने के लिए सर्वप्रथम एक स्वच्छ और समतल जगह पर एक दरी, चटाई या योगा मैट बिछा लें। सुप्त पादुका बंधनी आसन के लिए सबसे पहले गोमुखासन में स्थित हो जाइए। अब दोनों हाथ से इस तरह पैर के पंजों को पकड़ें और श्वास लेते हुए इसे नितंब की ओर बाहर खींचें। पूरे पैर, नितंब और जांघों पर खिंचाव महसूस होगा। इस स्थिति में कुछ देर रुकें, फिर श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें। जहां तक झुक सकते हैं झुकें। कुछ देर इस स्थिति में रुकें, फिर श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। अब यही क्रिया पैरों की स्थिति को बदलते हुए करें। दोनों स्थितियों में से एक एक बार कर लेने को एक चक्र माने। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 5 चक्र तक करें। अन्य आसनों के साथ 2 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे मणिपुर चक्र पर अपना ध्यान लगाएं, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे अपना ध्यान शरीर में जहां कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो वहां रखें। सुप्त पादुका बंधनी आसन यह एक उच्च स्तरीय का योगासन है और इस आसन से कई स्वास्थ्यवर्धक लाभ मिलते हैं। यह फेफड़ों के लिए एक बहुत ही अच्छा योगाभ्यास है और श्वसन से संबंधित रोगों में सहायता प्रदान करता है। प्रजनन प्रणाली या रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मजबूत बनाता है। पैरों में रक्त का प्रवाह तेज करता है। शरीर में हार्मोन के बैलेंस को बेहतर करता है। मलाशय को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक आसन है। बवासीर की समस्या में बहुत राहत मिलती है। मूत्राशय को स्वस्थ और साफ सुथरा बनाए रखता है। अंड वृद्धि या हाइड्रोसेल की समस्या नहीं होने देता है। यह रीढ़ और कूल्हों का लचीलापन बढ़ाता है और जंघा की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। यह फेफड़ों को भी मजबूत करता है और दमा या खांसी के निवारण में बेहद सहायक आसन है। यह मन और नाड़ियों को शांत करता है। सिर में रक्तापूर्ति बढ़ाता है। चित्त एकाग्रता की योग्यता को बढ़ाता है एवं पाचन क्रिया को भी उद्दीप्त करता है। यह दृढ़ इच्छा शक्ति का विकास करने वाला योगाभ्यास है। रक्त परिसंचरण पूरे शरीर में सुधरता है तथा रक्तचाप भी संतुलित होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है और नियमित अभ्यास से अभ्यासी नित्य युवा और निरोग बना रहता है। चेहरा सुंदर व कांति युक्त बनता है। सुप्त पादुका बंधनी आसन संस्कृत का शब्द है जो 4 शब्दों से मिलकर बना है। पहले शब्द सुप्त का अर्थ है लेटा हुआ या रिक्लाइंड। पादुका का अर्थ पंजे से है, बंधनी का अर्थ बांधने की क्रिया से है और आसन से अभिप्राय शरीर की मुद्रा या स्थिति से है। चूंकि इस आसन में दोनों पैर को बांधते हुए पंजों को खींचकर और शरीर को झुकाते हुए शरीर की मुद्रा को स्थित किया जाता है, इसलिए इसे सुप्त पादुका बंधनी आसन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे रिक्लाइंड सूलेस पोज कहा जाता है। योग के द्वारा जीव मूलाधार से विभिन्न चक्रों से होता हुआ ऊपर की ओर जाता है। वह जिस चक्र में पहुंचता है उस चक्र के देवी देवता की शक्ति उसके अंदर आ जाती है, ऐसा माना जाता है। चेतना के स्तर में वृद्धि होती है और हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व निखर जाता है। इन सारे चक्रों से निकलने वाली ऊर्जा ही शरीर को जीवन शक्ति देती है। इस योग से सभी चक्रों के अतिरिक्त मणिपुर चक्र पर विशेष प्रभाव पड़ता है। जब हमारी चेतना मणिपुर चक्र में पहुंच जाती है तब हम स्वाधिष्ठान के निषेधात्मक पक्षों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। मणिपुर चक्र में अनेक बहुमूल्य मणियां हैं, जैसे स्पष्टता, आत्मविश्वास, आनंद, आत्मभरोसा, ज्ञान, बुद्धि और सही निर्णय लेने की योग्यता जैसे गुण। अतः इस योगाभ्यास के नियमित अभ्यास से इन गुणों में और वृद्धि होती है।
घुटनों में दर्द होने पर सुप्त पादुका बंधनी आसन का अभ्यास करने से बचें। नितंब के गंभीर रोगी इसके अभ्यास से बचें। कमर में गंभीर दर्द होने की दशा में भी इसके अभ्यास से परहेज करें। पैरों में कोई दिक्कत हो तो इस आसन को नहीं करना चाहिए। अगर आपके बवासीर से खून आ रहा हो तो उस दशा में इस आसन से दूरी बनाकर रखें। रीढ़ की हड्डी में किसी भी प्रकार की समस्या या दर्द हो तो इस आसन को न करें। गर्भवती महिलाएं इसके अभ्यास से परहेज करें। सुप्त पादुका बंधनी आसन योग विज्ञान का एक बहुत अच्छा आसन है। योग करते समय सुरक्षित रहने के लिए इसका सही तरीके से अभ्यास किया जाना आवश्यक है। सुप्त पादुका बंधनी आसन को करने से सेहत को कई तरीकों से लाभ मिलता है, लेकिन इसके दौरान बरतने वाली सावधानियों को भी समझना चाहिए। अगर आप इस योगासन का अभ्यास पहली बार करने जा रहे हैं तो विशेषज्ञ की निगरानी में करें। तो यह था सुप्त पादुका बंधनी आसन करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियाँ।